हेलो एंड वेलकम बैक। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है। इफ़ इवेंट ए कैन हैपन इन एम वेज एंड इवेंट बी कैन हैपन इन एन वेज, देन अगर इवेंट ए तरह से सपोज एम तरीके से हो सकता है और इवेंट बी है वो एन तरीके से अगर हो सकता है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर दोनों इवेंट को साथ में होना है तब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों में से कोई एक हो सकता है तब आपको ऐड करना पड़ेगा। इसे ये ध्यान रखना है। सो बोथ इवेंट्स टुगेदर विल हैपन इन एम इन टू एन वेज एंड एग्जैक्टली वन ऑफ दीज इवेंट्स ए और बी कैन हैपन इन एम प्लस एन वेज। इसका एग्जाम्पल देखो, अ बॉय हैज़ 9 ट्राउजर्स एंड 12 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट अ ट्राउजर एंड अ शर्ट। तो एक लड़का के पास में 9 पैंट है और 12 शर्ट है, तो बोल रहा है कितने तरीके से वो एक ट्राउज़र और एक शर्ट को सेलेक्ट कर सकता है, मतलब ट्राउज़र और शर्ट दोनों ही सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 9 × 12 9 × 78 से, सो 108 हो गया, तो 108 वेज हो गया। ठीक है, अगला देखो, देर आर 4 रूट्स टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 6 रूट्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी, हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। तो देखो यहाँ पे एक सिटी ए है, सिटी बी है, सिटी सी है, तो सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए 4 रास्ते हैं, सिटी बी से सी जाने के लिए 6 रास्ते हैं। तो ए से सी जाने के लिए कैसे जा सकते हैं, मतलब हम ए से सी कैसे जा सकते हैं, बी को बाईपास करके तो नहीं जा सकते, बी को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए से बी जाना पड़ेगा और बी से सी जाना पड़ेगा, तो किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता ना। तो जब भी किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए से बी हम लोग 4 तरीके से जा सकते हैं, बी से सी हम लोग 6 तरीके से जा सकते हैं, सो ए से सी हम लोग 4 × 6 दैट इज़ 24 तरीके से जा सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया 24। अगला देखिए, लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 6 डिफरेंट लेटर्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक एट द मोस्ट इज़। अब देखिए, 3 आपके पास लॉक है, लेटर लॉक है जिसमें 3 रिंग्स हैं, तो कहाँ से कहाँ नंबर किया है, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, 6 अलग अलग लेटर्स हो सकते हैं। तो पहला वाला रिंग में 6 में से कोई भी हो सकता है, दूसरा वाला में भी 6 में से कोई और हो सकता है, तीसरा वाला में भी 6 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, टोटल अगर हम लोग को अटेम्प्ट्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6, तभी तो वो एक अटेम्प्ट बनेगा ना। अगर मान लीजिए 3 में से अगर सिर्फ 2 को ही लेते हो, 1 को छोड़ देते हो, तब तो वो तो कोई काम का नहीं, उसको हम अटेम्प्ट मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट मतलब लॉक जो है वो कब खुलेगा, जब तीनों में से कोई स्पेसिफिक नंबर होगा तब जाके खुलेगा। तो अटेम्प्ट तो तभी माना जाएगा ना जब तीनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, 6 × 6 × 6 तो कितना हो जाएगा, 216। अब देखो उसमें से कोई एक ही तरीका होगा ना जिससे वो ताला खुलेगा, अब एक से तो अधिक हो नहीं सकता कोई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट तो ये कहते हैं हम लोग कि एक तरीका ही होता है ताला खोलने का। तो टोटल अटेम्प्ट हैं 216, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है एक, आपको पूछा कितना है अनसक्सेसफुल, तो टोटल में से सक्सेसफुल एक को माइनस कर देंगे तो टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो जाएगा 215। सो आंसर इज 215। फिर देखिए, ए बी सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू से यूजिंग दीज रोड्स, मतलब कितने तरीके हैं जहाँ से हम ए से सी जा सकते हैं। तो ये वाला डिफरेंट प्रॉब्लम है, ए से बी पे बी ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बी से जाने के बी से सी जाने के लिए 4 रास्ते हैं, और ए से सी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, और दूसरा तरीका हो गया डायरेक्ट ए से सी जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमको बी से ही होके जाना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो हम एक केस इसका मान लेंगे, एक केस डायरेक्ट वाला मान लेंगे। तो जो ये बी के थ्रू जाना पड़ेगा कितने रास्ते हो जाएंगे, 3 ए से बी 3 वेज में 3 रोड्स हैं और बी से सी 4 रोड्स हैं, तो इसमें से कोई कॉम्बिनेशन हम उठा लेंगे तो 4 × 12 तरीके ये हो गए बी से हो करके थ्रू बी, और बाकी जो डायरेक्टली जाना है विदाउट बी वो 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12 + 3 दैट इज़ 15। समझ में आ गया, तो आंसर हो गया इसका 15। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।